हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड को डेली चैलेंज सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इट अच्छा क्वेश्चन ये कंपनी टैक्स से तुम्हें पता लग रहा होगा बाप रे मैं तो इतने नाम नहीं पढ़ने वाला बट बाप रे बाप कितनी कंपनी है क्वेश्चन अच्छा है अभी समझोगे तुम गिवन एन इंटीजर एरे ए नम्स रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नर्म्स एक्सेप्ट नर्म्स ऑफ आई ओके द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नर्म इज़ गारंटीड टू फिट इन अ थर्टी टू बिट इंटीजर मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा बेसिकली यू मस्ट राइट एन एलगोर्दम दैट रन इन ओ ऑ ऑ ऑफ एंड टाइम विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन ओके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं नर्म्स uh, की लेंथ है टू से लेकर के टेन की पावर फाइव तक और नर्म्स की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो माइनस थर्टी से लेकर सिर्फ थर्टी तक हो सकती हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और गारंटीड ओके तो उन्होंने ऊपर ही बोल दिया फॉलो अप क्वेश्चन है फॉलो अप क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप इसे कॉन्स्टेंट स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं द आउटपुट एर ए डज़ नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑब्वियस है ये तो हमें पता भी है चलो इसे सॉल्व करते हैं पहले तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ ठीक है क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हें एक एरे दिया होगा और तुम्हें क्या करना है इसका रिजल्ट रिटर्न करना है और रिजल्ट कैसा होना चाहिए कि जैसे इस एरे में चार एलिमेंट्स है ना फाइनल आउटपुट वाले में भी चार ही एलिमेंट्स होंगे और इन चार एलिमेंट्स में तुम्हें प्रोडक्ट्स रिटर्न करने ठीक है इन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है बट वो सेम एलिमेंट छोड़ करके फॉर एग्जाम्पल जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री तो इंडेक्स पे क्या आंसर होगा इन सब का मल्टीपल एक्सेप्ट जीरो इंडेक्स वाला यानी कि टू इंटू थ्री इंटू फोर दैट इज ट्वेंटी फोर बढ़िया फर्स्ट इंडेक्स का आंसर क्या होगा इस वाले एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सबका प्रोडक्ट यानी फोर इंटू थ्री इंटू वन दैट इज ट्वेल्व सिमिलरली सेकेंड इंडेक्स के लिए आंसर क्या होगा थ्री को हटा करके बाकी सब सो टू इंटू वन इंटू फोर दैट इज एट तो यहां पे आंसर आ गया एट एंड फाइनली थर्ड इंडेक्स के लिए ये वाला हटा के बाकी सब तो थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज सिक्स ओके समझ में आया तो so, ये तुम्हें आंसर रिटर्न करना है चलो ना हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स टेक्निक मेरे दिमाग में आ रही है मैं तुम्हें बताता हूँ तो आइडिया बड़ा सिंपल है मैं यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज करने वाला हूँ नेस्टेड लूप मतलब कि मैंने आउटर लूप लगा दिया फॉर आई इज इक्वल टू जीरो टू कहाँ तक ये जाएगा एन तक जाएगा ठीक है अब इसकी पहली लाइन पे मैं क्या करूंगा एक मल्टीपल नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूंगा उसे वन से इनिट करूंगा वन से क्यों क्योंकि हम जीरो से अगर करें और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो जीरो ही बन जाता है तो इसलिए हमने मल्टीपल को वन से इनिशियलाइज कर दिया अब आप यहाँ पे क्या करोगे अब आप यहाँ पे एक और लूप लगाओगे फॉर जे ज़ीरो टू एन और अब हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ समझना इस चीज़ को आई इक्वल इक्वल जे है अगर हम सेम इंडेक्स देख रहे हैं तो क्या करो कंटिन्यू कर दो ब्रेक मत कर जाना है यहाँ से ओके तुम्हें तो इस आइट्रेशन को स्किप करना है बाकी सब के मल्टीपल हमें चाहिए कहने का क्या मतलब है यहाँ पे आई खड़ा हो गया और यहाँ पे जे खड़ा हो गया ठीक है अभी जे जीरो इंडेक्स पे आई बी इंडेक्स पे तो इस वाले इंडेक्स को इग्नोर करके जे को एक आगे बढ़ा दो ठीक है अब यहाँ से इन सब का मल्टीपल करते चले जाओ टू इंटू थ्री इंटू फोर जो भी आंसर आएगा उसको आई एथ इंडेक्स पर जाके इंसर्ट कर देना ठीक है सिमिलरली आई को फिर एक आगे बढ़ा दोगे जे फिर से जीरो तो इंडेक्स से स्टार्ट होगा फिर से पूरा चलेगा और आई और जे जब सेम इंडेक्स पे होंगे तब हम कंटिन्यू कर देंगे समझ में आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया इसके नीचे मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल इंटू लेट्स कॉल इटाइज ए आर आर ए आर आर मतलब ये वाला एरे ठीक है ये है मेरा ए आर आर और ये है आर ई एस दो एरे है ए आर आर और आर ई एस ओके तो मैंने कहा मल्टीपल इंटू एरे ऑफ जे ठीक है ये आपका मल्टीप्लाई हो गया इसके बाद आप क्या कहोगे ये वाला फॉर लूप बंद अब ये अंदर वाला फॉर लूप बंद हुआ यानी कि आपने एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए देख लिया तो अब आंसर को स्टोर कर लो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा मल्टीपल आ रहा है ओके एंड देन हम इस बड़े वाले फॉर लूप को बंद कर देंगे एंड फाइनली अपना रिजल्ट रिटर्न कर देना अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी एन स्क्वेयर ऑब्वियसली यार आप आई को पूरा जीरो से इन तक चला रहे हो फिर जे को भी जीरो से एन तक चला रहे हो सो दिस इज नेस्टेड लूप ते हो गया एन स्क्वेयर क्या आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं हमने कॉन्स्टेंट स्पेस क्योंकि रिजल्ट आ रहा है रहे, आपका स्पेस में कैलकुलेट नहीं होता है ये तो सी बात है राइट तो हो गया बस हमारा काम यही कहा था क्वेश्चन में कि कॉन्स्टेंट स्पेस में करना है कर दिया <laughs> नहीं ऐसे नहीं होता एन स्क्वायर को भी ऑप्टिमाइज़ करो ऐसे इंटरव्यर को मत बोलना कि सर आपने तो कहा था कांस्टेंट स्पेस अब मैंने करके दे दिया अभी जॉब दो वरना <laughs> ऐसे मत करना ठीक है सो हाउ टू ऑप्टिमाइज़ दिस क्या हम इस टाइम को भी और रिड्यूस कर सकते हैं हाँ जी कर सकते हैं देखो आ, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इन्होंने क्वेश्चन एक पॉइंट लिखा था कि आप डिवीजन ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते बट अगर डिवीज़न ऑपरेटर अलाउड होता तब हम क्या करते दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट सो ऑब्वियस एक बात है हम इस सारे नंबर का मल्टीपल कर देंगे तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर क्या बन जाएगी बन जाएगा ट्वेंटी फोर अब आपको जिस भी इंडेक्स के लिए चाहिए उसको एक्सक्लूड कर दो जा कर के मतलब इसे क्लीन कर लेता हूँ एक सेकेंड सो so, आई को यहाँ पे रखते हैं जीरो इंडेक्स के लिए अब जीरो इंडेक्स के लिए आंसर चाहिए तो आंसर मतलब एरे ऑफ जीरो पे जो भी वैल्यू है उससे तुम्हारे जो फाइनल तुमने मल्टीपल निकाले उसे डिवाइड कर दो तो ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन क्या होता है ट्वेंटी फोर तो आंसर हो गया. Similarly, second वाले के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, हो हो क्या, हो हो क्या होती ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन ठीक है फर्स्ट एन लगता है आपको ये मल्टीपल कैलकुलेट करने में और सेकेंड एन आपको लगता है इसको वापस से हाइट्रेट करके डिवीजन करने में ओके okay. क्या एक्स्ट्रा स्पेस लगी नहीं अभी भी कांस्टेंट स्पेस बिकॉज ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है नाउ प्रॉब्लम हेयर इज कि आपको डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करने से रिफ्रेन कर दिया गया है आप यूज़ नहीं कर सकते तो ये टेक्निक तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे अब चलते हैं थर्ड अप्रोच की तरफ देखो यार ये जो तो इनपुट है इससे आंसर कैसे निकलेगा जैसे मुझे अगर इस इंडेक्स तक का आंसर चाहिए तो मैं इतने नंबर को इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करेक्ट यानी कि अगर मुझे आई एथ इंडेक्स तक का आंसर चाहिए तो मैं ज़ीरो इंडेक्स से लेकर के आई माइनस वन थंडेक्स का मल्टीपल निकालता हूँ ठीक है ये मल्टीपल निकालता हूँ इसका मल्टीप्लाई करता हूँ फिर आई प्लस वंथ इंडेक्स से लेकर के एन इंडेक्स तक यही तो मैं कर रहा हूँ हर बार तो इसके लिए मुझे नेस्टेड लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या करूँगा मैं आंसर को स्टोर करके रख लूँगा मतलब ये क्या है दिस इज़ प्री ओके एंड वॉट इज़ दिस दिस इज़ स तो अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स को स्टोर करके रख लें और इस लॉजिक से मल्टीप्लाई करते हुए चलें तो हमें आंसर मिल जाएगा करेक्ट तो मैं दो एरे बना लेता हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स अभी प्रीफिक्स में क्या करना है सबसे पहले जैसे मुझे आई एथ इंडेक्स तक स्टोर करना है तो इसके पहले तक का मल्टीपल अब इसके पहले तो कुछ है नहीं तो यहाँ जीरो लिख दोगे नहीं अभी बताया था मल्टीपल केस में हमेशा वन लिखा जाता है तो हमने यहाँ पे वन स्टोर कर दिया ये वाला वन नहीं है ध्यान रखना ये इनिशियलाइज uh, वाला वन है आप कह सकते हो इनिट कर रहे हैं मल्टीपल को जैसे हम मल्टीपल नाम का वेरिएबल बना रहे थे ना वहाँ पर समझ लो वही यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया ऐसा समझ लो ठीक है अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जब मुझे यहाँ तक का चाहिए तो इसका प्रीफिक्स मतलब इतने सब का मल्टीपल तो अगर मैं आई पे खड़ा हूँ तो इसे हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे एरे ऑफ आई माइनस वन ठीक है एरे ऑफ आई माइनस वन इंटू प्री फिक्स ऑफ प्री फिक्स ऑफ आई माइनस वन ठीक है ये आपका आंसर है जो यहाँ पे स्टोर होगा प्रीफिक्स वाले एरे में वाई इज़ इट सो देखो समझना इस चीज़ को जो तुम्हारा प्रीफिक्स एरे है सपोज़ ये आई एथ इंडेक्स है ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या स्टोर किया हुआ है यहाँ पे आपने i माइनस वन तक का मल्टीपल स्टोर नहीं किया है इस एरे का यहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ है i माइनस टू का यानी कि इधर आई माइनस टू का मल्टीपल प्लस एरे के आई माइनस वन पे क्या खड़ा है आई माइनस वन वाला एलिमेंट तो आई माइनस तक का मल्टीपल इन टू आई माइनस वन वाला मल्टीपल यही तो आप कह सकते हो कि इंडेक्स के लिए हमें यही तो चाहिए था मतलब जितने आई से पीछे वाले यही तो हमें चाहिए थे तो आई से पीछे वाले सारे यहीं पे हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते जाओ तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट मिलता जाएगा तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर लिखा कि ये क्या है प्रीफिक्स ऑफ आई प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू और ये फिर तुम्हारा ही समझ में आया चलो इसे करते हैं सॉल्व तो फॉर दिस एलिमेंट वी कैन से वन इंटू वन ठीक है फॉर थ्री कैन से टू इंटू वन ओके फॉर फोर कैन से थ्री इंटू टू ये हो गया सिक्स ये आपने प्रीफिक्स एरे कंप्लीट कर लिया अगर आप चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो फोर को हटा करके यहाँ तक का मल्टीपल क्या होना चाहिए थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज सिक्स सिमिलरली बाकी भी चेक कर लेना ओके okay? ग्रेट अब सेम तरीके से हम यहाँ पे सफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं सफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं सफ़िक्स को हमें पीछे से क्रिएट करना है तो ये मैंने बना दिया वन टू थ्री ओके अभी इसका सफिक्स क्या होगा इसका सफिक्स मतलब इसके बाद के जितने हैं उनका मल्टीपल तो बाद में कुछ है नहीं तो सेम अप्रोच से हम यहाँ क्या करेंगे वन लगा देंगे ठीक है ये आपका फ़ोर के लिए हो गया अभी थ्री के लिए क्या करोगे इतने का मल्टीपल तो ये हम कैसे निकालेंगे सेम अप्रोच हम कहेंगे फोर इंटू जो पिछला वाला था तो फोर इंटू वन सिमिलरली टू के लिए निकालना है तो हम क्या कहेंगे थ्री इंटू फोर थ्री फोर जैर ट्वेल्व अगर वन के लिए निकालना है तो हम क्या कहेंगे टू इंटू ट्वेल्व दैट इज़ ट्वेंटी फोर यहाँ से मैं तुम्हें तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैं ये ट्वेल्व कैसे निकाल लूँ देखो बहुत सिंपल है अगर मुझे इस एलिमेंट के लिए निकालना है तो मैं कहूँगा इन सारे का मल्टीपल ओके okay? अब सफिक्स वाले एरे की इस वाले इंडेक्स पे जस्ट पीछे वाले इंडेक्स पे क्या रखा है यहाँ तक का मल्टीपल ठीक है टू के लिए हमने यहाँ तक का मल्टीपल स्टोर किया है तो यहाँ तक का मल्टीपल मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट वही मैंने किया तो मैं फॉर एवरी इंडेक्स सफिक्स के लिए क्या निकाल लू एरे ऑफ आई प्लस वन मल्टीप्लाई बाई है तो सेम अप्रोच से हमने ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स एरे निकाल लिया अभी यार तुम फाइनल आंसर कैसे निकालोगे फाइनल आंसर तो देखो और ज्यादा सिंपल है तुम्हें तो क्या करना है जैसे इस एलिमेंट के लिए निकालना है तो प्रीफिक्स जैसे थ्री का एग्जाम्पल लेते हैं थ्री का एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा तो थ्री के लिए इंटू ये, ये चाहिए ना वॉट इज दिस प्रीफिक्स है ना प्रीफिक्स तिल दिस वाला इंडेक्स एंड वॉट इज दिस सफिक्स तिल दिस वाला इंडेक्स तो हम क्या करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स में जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे दैट्स इट सो पहले वाले के लिए आंसर क्या होगा वन इंटू ट्वेंटी फोर एंड दैट इज ट्वेंटी फोर ठीक है दूसरे इंडेक्स के लिए आंसर क्या होगा वन इंटू ट्वेल्व दैट इज ट्वेल्व तीसरे इंडेक्स के लिए आंसर क्या होगा टू इंटू फोर दैट इज एट लास्ट इंडेक्स के लिए क्या आंसर होगा सिक्स इंटू वन दैट इज सिक्स दिस इज़ योर आंसर ओके तो हमने काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया तो प्रिफिक्स निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन सफिक्स निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अनदर ओ ऑफ एन और आंसर निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अनदर ओ ऑफ एन तो वी कैन से ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी आ जाएगी थ्री टाइम्स एन ओके क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया हाँ इस बार हमने दो एरेज बनाए एक प्रिफिक्स और एक सफिक्स नाउ क्वेश्चन से इस कि भाई तुम्हें जो है ये ये पार्ट ऑप्टिमाइज करना है इट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट ठीक है तो अब थोड़ा और दिमाग लगाओ क्या हम इन तीन एरेज की बजाय सिर्फ आंसर वाला एरे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें एक तो एरे यूज़ करना ही पड़ेगा ठीक है क्यों यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू प्री कंप्यूट दीज थिंग्स हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना यार कि आंसर क्या है तो क्या हम इस आंसर वाले एरे को क्योंकि वो किस में वो एक्स्ट्रा स्पेस में काउंट नहीं हो रहा है क्या मैं इस आंसर वाले एरे में ही प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज़ कर सकता हूँ बहुत आराम से कर सकता हूँ दिखाता हूँ कैसे अब तुम जो अपना प्रीफिक्स कैलकुलेट कर रहे थे ना उसी को आंसर में कैलकुलेट कर लो सेम कुछ लॉजिक चेंज नहीं करना तो सबसे पहले हमने ज़ीरो इंडेक्स पे जाके वन रख दिया था करेक्ट देन हमने कहा यहाँ के लिए आंसर क्या हो जाएगा वन इंटू वन उसे स्टोर कर लिया यहाँ के लिए आंसर क्या हो जाएगा टू इंटू वन उसे स्टोर कर लिया यहाँ के, के लिए क्या आंसर हो जाएगा थ्री इंटू टू उसे स्टोर कर लिया ठीक है तो हमने प्रीफिक्स एरे को एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया ओके सो ये मेरा आंसर एरे और ये मेरा इनपुट एरे अभी तक हमने आंसर में सिर्फ क्या किया है प्रीफिक्स लिखा हुआ है अभी कुछ नहीं किया और अब सफिक्स कैसे लिखोगे तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे इसे पीछे से हाइड्रेट करूँगा ठीक है मैंने यहाँ पे जे रख दिया ठीक है मैंने कहा मैं यहाँ पे एक मल्टीपल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ ठीक है और इसे इनिशलाइज कर देता हूँ वन से अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो क्योंकि जे मतलब साइमल्टेनियसली आप इसे भी जे मानूँ कि हम लास्ट इंडेक्स पे दोनों एरे की खड़े हैं ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम कहेंगे सबसे पहले कि जो तुम्हारा आंसर ऑफ आंसर ऑफ जेथ इंडेक्स है उसमें क्या लिख दो आंसर ऑफ जे आंसर ऑफ जे क्योंकि ये क्या है ये आपका प्रीफिक्स हो गया इन टू सफिक्स आपका क्या था मल्टीपल ठीक है मल्टीपल ये आप चाहो तो इसे रीनेम करके सफिक्स भी लिख सकते हो सफिक्स तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले सफिक्स से ओके okay? तो हमने लिखा आंसर ऑफ जे इज इक्वल टू आंसर ऑफ जे इन सफिक्स तो सिक्स इंटू वन आपका सिक्स ही रह गया तो ये चेंज नहीं होगा हमारे आंसर में बढ़िया आगे चलते तो आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे इस काम को हम लूप में कर रहे हैं ना हम जे को चला रहे हैं लास्ट इंडेक्स से जीरोथ इंडेक्स तक तो ये जो लूप में काम चल रहा है इसमें हम लूप चेंज करने से पहले क्या करेंगे अब अपने सफिक्स को अपडेट कर देंगे तो हम कहेंगे सफिक्स इज इक्वल टू सफिक्स इन टू इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनपुट एरे के जे एथ एलिमेंट से ठीक है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए आर आर ऑफ जे ठीक है सो दिस इज हाउ आई एम अपडेटिंग माई सफिक्स तो मेरा सफे इंटू वन फोर हो गया और जे एक आगे चला गया ठीक है अभी इस इंडेक्स के लिए क्या हो रहा है इस इंडेक्स के लिए आप समझो आंसर ऑफ जे इंटू सफिक्स तो यहाँ पे वैल्यू है टू टू इंटू फोर तो टू इंटू फोर आपका एट हो जाएगा ठीक है ये अपडेट हो गया और जे को एक आगे बढ़ाने से पहले हम सफिक्स में ये मल्टीप्लाई कर देंगे फोर इंटू थ्री ट्वेल्व तो आपका जे अब यहाँ तक आ गया विच यू कैन सी ऑल्सो कि जो सफिक्स है वो यही है ना फोर इंटू थ्री वही तो है फोर इंटू थ्री तो इस तरीके से हम सफिक्स मेंटेन कर रहे हैं तो प्रीफिक्स हमने एरे में बना लिया सफिक्स हम एक वेरिएबल से लेते जा रहे हैं ओके सो नाउ अगेन जे इस वाली इंडेक्स पे है दोनों एरे की तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है वन इंटू जो भी तुम्हारा सफिक्स है दैट इज ट्वेल्व तो वन इंटू ट्वेल्व क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा ओके okay. अब जे पे जो भी वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ट्वेंटी फोर जे को एक आगे बढ़ा दिया ठीक है नाउ फाइनल इंडेक्स यहाँ पे क्या है वैल्यू वन वन इंटू ट्वेंटी फोर इज वन तो हम यहां लिख सकते हैं ट्वेंटी फोर आ जाएगा ओके okay? अब फिर से जे में जो भी वैल्यू है तो ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर ही हो गया और जे को एक आगे बढ़ा दो जैसे जे को आगे बढ़ाओगे एर खत्म सो दिस इज योर फाइनल आंसर विच इज ट्वेंटी फोर कॉमा ट्वेल्व कॉमा एट कॉमा सिक्स यही आपका फाइनल आंसर ओके नाउ वट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच अब आपने क्या किया यहाँ पे ओ ऑफ एंड टाइम लगाया प्रीफिक्स कैलकुलेट करने में प्लस ओ ऑफ एंड टाइम लगाया आपने सफिक्स से मल्टीप्लाई करने में वापस बट जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई दैट इज कॉन्स्टेंट ठीक है और यहाँ पे हमने छलाकी क्या लगाई हमने बस आंसर वाले एरे को ही यूज़ कर लिया इसी में पहले प्रीफिक्स डाला और इसी में बाद में सफिक्स मल्टीप्लाई कर दिया ये चलाकी कर दी क्वेश्चन सॉल्व ठीक है बिकॉज ये जो आपका आंसर एरे इन्होंने पहले ही बोला है कि हम इसे एक्स्ट्रा स्पेस में कैलकुलेट नहीं कर रहे चलो इसे कोड कर लेते हैं चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसी को अपना प्रीफिक्स बना लेंगे सबसे पहले सो न्यू इंट एन कैलकुलेट कर लेते हैं एन इज द साइज ऑफ द एरे तो आई कैन से इंट एन इज इक्वल टू नाम्स डॉट एलियन जी टी एच ओके चलो आगे चलते हैं नाउ फर्स्ट फील कैलकुलेट दी प्रीफिक्स ठीक है पहले हम प्रीफिक्स कैलकुलेट करते हैं सो so, सबसे पहले आंसर के जीरोथ इंडेक्स पे जाके वन इनिशियलाइज कर दो तो, ठीक है अब वन इनिशियलाइज करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या है फॉर इंट एंट आईल टू वन आई एन एंड देन आई प्लस प्लस अब हियर वी कैन से कि भाई आंसर ऑफ आई इंडेक्स क्या हो जाएगा आंसर ऑफ आई माइनस वन थे मल्टीप्लाई बाई नम्स ऑफ आई माइनस वन इंडेक्स ठीक है तो इस तरीके से हम हमारा प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लेंगे प्रीफिक्स इज नाउ कैलकुलेटेड नाउ फाइनली अब हमें यहाँ क्या करना है सफिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आई कैन से इंट सफिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ मेक इट टू वन अब लेट्स आइट्रेट फ्रॉम द बैक सो इंट जे इज इक्वल टू एन माइनस वन ठीक है जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड देन जे माइनस माइनस ओके अब यहाँ पे आंसर ऑफ जेथ इंडेक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आंसर एट जे इंडेक्स ये क्या है ये है आपका प्रीफिक्स इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया आपने सफिक्स को ओके okay, सफ़िक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड फाइनली सफ़िक्स को अपडेट कर लेते हैं सफ़िक्स इज इक्वल टू सफ़िक्स एक्स इन टू ऑफ जे ये हमने हमारे सफिक्स को अपडेट कर लिया तो इनिशलाइज़ किया था वन से वन डाला पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो नेक्स्ट सफिक्स आ रहे हैं मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट सफिक्स कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करते जाओ ठीक है सो दिस इज इट अब फाइनली आपको इस फॉर लूप के बाद क्या रिटर्न करना है रिटर्न आंसर दैट्स इट चलो इसे रन कराते हैं होप फुली दिस शुड वर्क एंड इट डिड क्या बात है अब इसे सबमिट भी कर लेते हैं सो so, या ये था आज की अप्रोच आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी हमारा डे ट्वेंटी सिक्स भी कंप्लीट हो गया एंड सेवेंटी थ्री परसेंट फास्टर क्यों है क्योंकि मैंने जाके सॉल्यूशंस देखे बच्चों के बच्चों ने साफ साफ लिखा है यार यहाँ पे कि डिवीजन ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है फिर भी जाके वही टेक्निक ऑफ एन वाली यूज़ कर रहे हैं कोई बात नहीं भाई सबका अपना गेम है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तो आपको देखो ये सब करना पड़ेगा तो प्रॉपरली समझते हैं अच्छे से समझते हैं so सो सोया यही था आज की वीडियो में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में और हाँ सुनो इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है चालीस लाइक अगर आपको इस वीडियो पर नहीं दिख रहे हैं तो फटाक से कर दो और अगर समझ में आ गया ये वाला एक्सप्लेनेशन तो कुछ कमेंट कर देना यार उससे मुझे पता चलता है कि तुम लोग को समझ आ रहा है या फिर खाली व्यूज ही मिल रहा है ठीक है क्योंकि आए है कॉन्स्टेंट फीडबैक से वील ऑल्सो इंप्रूव सो या That's it for today. Bye-bye and take care.